वो जमाना कुछ और था, जब कोई देश अपने दुश्मन देश को घुटने पर आने पर मजबूर करने के लिए मिसाइल्स, रॉकेट्स या सैन्य कार्रवाई करता था। मगर आज यह सब बातें पुरानी हो चुकी है। आज हम इंसानों ने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि आज कई देश अपने दुश्मन को बिना एक गोली चलाए अपने घर पर बैठकर ही उसे घुटने पर ला सकते हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर वॉर की। आज अमेरिका, रूस, चीन समेत कई ऐसे देश हैं जो जब चाहें तब अपने दुश्मन पर एक बड़ा और एडवांस साइबर अटैक कर सकते हैं। पिछले कई सालों में भारत ने भी बड़े साइबर अटैक झेले हैं। इससे भारत का पीएमओ, कुछ मंत्रालय और अहम विभागों के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। इन हमलों का शक चीन और पाकिस्तान के साइबर ग्रुप पर जाता है। कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के प्रमुख प्रतिष्ठान और अहम विभाग के ऊपर साइबर अटैक के फिराक में रहते हैं। आज भारत बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार आज 42 करोड़ भारतीय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले भारतीय लगभग 10 करोड़ हैं। वहीं अनुमान के अनुसार साल 2025 तक भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता लगभग 80 करोड़ हो जाएंगे, तो वहीं नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले लगभग 30 करोड़ होंगे। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमारे देश के ऊपर आने वाले किसी भी साइबर हमले को रोकने के लिए पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ले, क्योंकि दोस्तों हमें यह मानकर चलना होगा कि हम पे यानी हमारे देश पर कभी भी एक बड़ा साइबर हमला हो सकता है। अगर हम इस बात को स्वीकार करके नहीं चलेंगे तो हम आने वाले खतरे से कभी नहीं निपट सकेंगे। जिस तरह से हम अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने बॉर्डर्स को सील कर रहे हैं, उसी तरह हमें इंटरनेट की दुनिया में पड़े हमारे गुप्त डेटा को भी सील कर देना चाहिए, इनक्रिप्टेड कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब हमारा भारत सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, अब हमारा भारत इंटरनेट की दुनिया में भी एक नया भारत बना चुका है। आज 135 करोड़ भारतीयों की बायोमेट्रिक जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। वह डेटा कितनी सुरक्षित है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आए दिन आधार कार्ड का डेटा लीक होने की बातें हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार इस खतरे को गंभीरता से लेती है, और हमारी सरकार ने भी किसी प्रकार के साइबर हमले से बचने के लिए और दुश्मनों को साइबर अटैक के हमले का जवाब साइबर अटैक से देने के लिए पहले ही साइबर आर्मी का गठन कर चुकी है। हमारी साइबर आर्मी कितनी शक्तिशाली और कितनी एडवांस है हम यह सब जानेंगे, मगर पहले हम और भी तरह के साइबर हमलों के बारे में जान लेते हैं जो भारत के ऊपर आ सकते हैं। दुनिया 4G से 5G नेटवर्क पर शिफ्ट होने वाली है, और भारत भी कुछ महीनों बाद 4G को छोड़ 5G की रफ्तार पकड़ लेगा। हम सभी जानते हैं कि भारत 5G की तकनीक चीनी कंपनी हुआवे से ला रहा है। हुआवे के फाउंडर रेन जंगफिंग पीपुल लिबरेशन आर्मी के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा चीन ने यह कानून बनाया हुआ है कि जरूरत पड़ने पर चीनी नागरिक या चीनी कंपनी को नेशनल इंटेलिजेंस यानी जासूसी में मदद करना होगा। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जब हमारा नेटवर्क 5G पर होगा तब जरूरत पड़ने पर चीन हमारी जासूसी कर सकता है। दोस्तों अब हम भारतीय साइबर आर्मी के बारे में जानते हैं कि हमारी साइबर आर्मी कितनी शक्तिशाली और कितनी एडवांस है। भारत पर लगातार साइबर हमले के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में सरकार के पहल पर कई विभागों ने सेना के साथ मिलकर साइबर वॉरफेयर कमांड की तैयारियां शुरू कर दी। इसके बाद देश के प्रमुख आईटी संस्थान से 1000 से भी ज्यादा विशेषज्ञ सेना के तीनों अंगों में भेज दिए गए, ताकि साइबर कमांड तैयार किया जा सके। हमारी साइबर कमांड कितनी शक्तिशाली होगी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जिस विशेषज्ञों को लिया गया है वो रो के तहत काम करने वाले नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम शामिल हैं। इसके अलावा हमारी साइबर कमांड ने 2 दिन की साइबर वॉर का युद्धाभ्यास भी किया था, जो उनसे पहले कभी नहीं किया गया था। इस युद्धाभ्यास से पूरी दुनिया ने वर्चुअल वर्ल्ड में भारत का ताकत देखा। इस साइबर युद्धाभ्यास को साइबरेक्स नाम दिया गया था। इसमें सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया था। इस युद्धाभ्यास में और भी बड़े कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर शामिल थे।